एक्सेल डॉट कॉम के यूट्यूब चैनल पर मैं सीए सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। चलिए डिस्कस करते हैं जीएसटी न्यूज़ ऑन 24 नवंबर 2017। यदि आप गुड्स का एक्सपोर्ट करते हैं तो आप जीएसटी का रिफंड किस प्रकार क्लेम कर सकते हैं, इसके लिए आप रूल 96 ऑफ आईजीएसटी एक्ट सीजीएसटी एक्ट को रेफ़र कर सकते हैं, जिसके अंदर के ये कहा गया कि यदि आप गुड्स की एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके केस में आपका रिफंड कस्टम डिपार्टमेंट के द्वारा प्रोसेस किया जाएगा। इसके लिए जीएसटी सिस्टम से इनवाइस लेवल डिटेल जो अपने जीएसटी वन के टेबल 6 से में फिल की है वो कस्टम डिपार्टमेंट को ट्रांसमिट की जाएंगी। इसके लिए तीन कंडीशंस का होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपने जीएसटी 3 भी जो है वो फाइल किया होना चाहिए। उसके बाद जो टेबल 6 ए है जीएसटी वन का, उसमें करेक्ट शिपिंग बिल नंबर, शिपिंग बिल डेट और पोर्ट नंबर मेंशन होना चाहिए। तीसरी कंडीशन ये है कि जो आपने आईजीएसटी का अमाउंट जीएसटी 3B के टेबल 3.1B में क्लेम किया है वह उस अमाउंट के इक्वल और ग्रेटर देन होना चाहिए जो आपने जीएसटी 1 के टेबल 6A में क्लेम किया है। यानी कि ये है आपका टेबल 6A ऑफ जीएसटी 1 और ये है आपका जीएसटी 3B का टेबल 3.1B। यहाँ पे आपने जो आउटपुट टैक्सेबल सप्लाई जीरो रेटेड के अंदर जो इंटीग्रेटेड टैक्स का अमाउंट है वह अमाउंट इस अमाउंट से ज़्यादा होना चाहिए जो कि आपने टेबल 6A में जो है यहाँ पे आपने इंटीग्रेटेड टैक्स का जो अमाउंट मेंशन किया है उससे इक्वल और ग्रेटर होना चाहिए। जीएसटी 4 को के ऑफलाइन टूल को आप जीएसटी पोर्टल से किस प्रकार डाउनलोड करेंगे, इसके लिए स्टेप्स दिए गए हैं। सबसे पहले आपको जीएसटी पोर्टल पर जाना है, यानी कि www.gst.gov.in, वहाँ पर डाउनलोड टैब पर आपको क्लिक करना है और जीएसटी 4 का ऑफलाइन टूल आपको डाउनलोड कर लेना है। इसके लिए आपके पास विंडोज 7 होनी चाहिए और इसके बाद MS Excel 2017 जो है वो मिनिमम आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपको जो जिप फाइल है वो एक्सट्रैक्ट करनी है और जीएसटी 4 पर डबल क्लिक करना है, उसको ओपन करना है। उसके बाद आपको सभी डिटेल जो है जीएसटी 4 के अंदर वो फिलअप करनी है। ऑफलाइन टूल में आपको ये इंश्योर करना है कि जो आपने इनवर्स सप्लाई ली है रजिस्टर्ड टैक्स पेयर से, जो अमेंडमेंट टेबल है वो आपको जुलाई से सितंबर 2017 क्वार्टर के लिए एंटर करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए यह डिटेल जो है वर्जन 1 ऑफ द टूल के अंदर प्रोवाइड नहीं की गई है। जीएसटी 4 को फिल करने के लिए क्या स्टेप्स हैं, सबसे पहले आपको जो जीएसटी 4 अपने ऑफलाइन टूल जीएसटी पोर्टल से डाउनलोड किया है उसके अंदर जो रेलेवेंट डिटेल है वो फिल करनी है। लेकिन इनवर्ट सप्लाई की डिटेल जो अपने रजिस्टर्ड टैक्स पेयर से ली है और अमेंडमेंट टेबल जो है वो फिल करने की आवश्यकता नहीं है जुलाई से सितंबर 2017 क्वार्टर के लिए। उसके बाद आपको इस शीट को वैलिडेट करना है बाय प्रेसिंग वैलिडेट टैब। यदि इसके अंदर कोई वैलिडेशन चेक्स की फेलियर आती है तो आपको एक एरर मैसेज आएगा जो कि आप शीट वैलिडेशन एरर के कॉलम में भी देख सकते हैं। इन वैलिडेशन एरर को आपको करेक्ट करना है। उसके बाद आपको गेट समरी बटन पर क्लिक करना है जो कि आपको होम टैब पर ही दिखाई देगी। इसके बाद आपको जनरेट जेसन फाइल टू अपलोड के बटन पर क्लिक करना है और जेसन फाइल को जनरेट करना है। उसके बाद आपको ये जेसन फाइल जनरेट सेव करनी है ताकि आप जीएसटी पोर्टल पर जाके इसको अपलोड कर सकें। जीएसटी 4 के ऑफलाइन टूल से जो अपने जेसन फाइल जनरेट की है उसको जीएसटी पोर्टल पर किस प्रकार अपलोड करें, इसके लिए स्टेप्स दिए गए हैं। सबसे पहले आपको जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करना है, रिटर्न डैशबोर्ड में जाना है और रेलेवेंट जो टैक्स पीरियड है वो सिलेक्ट करना है, जैसे जुलाई टू सितंबर 2017 का। उसके बाद आपको जीएसटी 4 की टैब पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो प्रिपेयर ऑफलाइन बटन है जीएसटी 4 की टाइल पे वह क्लिक करना है। उसके बाद आपको चूज़ फाइल को सिलेक्ट करना है और जो जेसन फाइल आपने जनरेट की है जीएसटी 4 के ऑफलाइन टूल को यूज़ करते हुए उसे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको जेसन फाइल जो है अपलोड कर देनी है और जीएसटी पोर्टल इसको वैलिडेट करेगा और प्रोसेस करेगा। जेसन फाइल को कई बार आप अपलोड कर सकते हैं जब तक कि आप इसको सबमिट नहीं कर देते जीएसटी पोर्टल पर। यदि जीएसटी 4 को फाइल करते हुए आपकी जेसन फाइल में एरर आ जाती है तो आपको ये एरर किस प्रकार करेक्ट करनी है, इसके लिए सबसे पहले तो आपको जीएसटी पोर्टल पर जाना है और वहाँ पे प्रोसेस्ड विद एरर का जो स्टेटस आपका अपडेट हुआ है वह चेक करना है कि क्या वह प्रोसेस्ड विद एरर है। तो उसके बाद आपको जनरेट एरर रिपोर्ट पर क्लिक करना है। जब रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी उसके बाद आपको यह रिपोर्ट डाउनलोड कर लेनी है। यह रिपोर्ट जो है वो जिप फाइल में डाउनलोड होगी, इसको आप
को अपने सिस्टम पर सेव करना है। उसके बाद आपको अनजिप करना है इस जिप फोल्डर को। इसके लिए आपको इस फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करना है और वहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ये जो अनजिप होगा फोल्डर, उसके अंदर दो फाइल आपके पास होंगी, एक तो वह जो रिकॉर्ड प्रोसेस्ड सक्सेसफुली है और एक वह जो एरर रिकॉर्ड है, वह एरर रिपोर्ट। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये दोनों ही फाइलें इकट्ठी ही सिलेक्ट करनी है, यानी कि एक साथ सिलेक्ट करनी है और उसके बाद एक साथ इनको ओपन करना है। उसके बाद आपको इन फाइल के अंदर जो जीएसटी पोर्टल वैलिडेशन एरर की का कॉलम है, जो कि हर शीट के अंदर दिया गया है, उसको रेफर करना है और वहाँ पर जो एरर है उनको आपको करेक्ट करना है। करेक्ट करने के बाद आपको सक्सेसफुली इनको वैलिडेट करना है और उसके बाद आपको गेट समरी बटन पर क्लिक करना है, ताकि आपको जो होम टैब है उस पर समरी की डिटेल जो है वो अपडेट हो जाए। यदि आप इस समरी से सेटिस्फाइड हैं तो आपको जनरेट जेसन फाइल टू अपलोड के बटन पर क्लिक करना है, ताकि आप जेसन फाइल जनरेट कर सकें और GSTR4 को GST पोर्टल पर अपलोड कर सकें। यदि आपने GSTR4 का ऑफलाइन टूल करते हुए जेसन फाइल GST पोर्टल पर अपलोड कर दी है तो आप दोबारा से इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें जो करेक्शन है वो कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो फाइल है वो जेसन फाइल GST पोर्टल से डाउनलोड करनी है और जो GST पोर्टल का ऑफलाइन टूल है GSTR4 ओपन डाउनलोडर GSTR4 जेसन फाइल, उसको क्लिक करना है। उसके बाद आप जो डिटेल है वो मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और करेक्ट भी कर सकते हैं। और उसके बाद आपको दोबारा से जेसन फाइल को जनरेट करना है और GST पोर्टल पर अपलोड करना है। इसके लिए आपको GST पोर्टल पर जाना है और इनिशिएट फाइलिंग बटन पर क्लिक करना है। वहाँ पे आपको एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर एंड फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर को फिलअप करना है। उसके बाद आपको प्रीव्यू समरी पर क्लिक करना है, तो PDF समरी है वो जनरेट हो जाएगी। आप इसको वेरीफाई करें। यदि आप इस समरी से सेटिस्फाइड हैं तो आप डिक्लेरेशन बॉक्स पर क्लिक करें और सबमिट करें। यदि आपने एक बार सबमिट कर दी है डिटेल, तो उसके बाद आप इसमें कोई करेक्शन नहीं कर पाएंगे। सक्सेसफुली सबमिट होने के बाद आपको जो कैश बटन है, यूटिलाइज कैश बटन, उसको क्लिक करना है, ताकि आप अपनी जो लाइबिलिटीज़ हैं उसको डिस्चार्ज कर सकें। इसके लिए जो डेबिट एंट्रीज बटन है कैश लेजर के अंदर, उसको आप क्लिक कर सकते हैं, ताकि आप डेबिट एंट्रीज़ की डिटेल जो है उसको देख सकें। उसके बाद आप सक्सेसफुली, जब आपकी लायबिलिटी डिस्चार्ज हो जाएंगी, तो आपको फाइल रिटर्न पर क्लिक करना है और ऑथराइज सिग्नेटरी को सिलेक्ट करना है और इससे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट या फिर इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के साथ फाइल करना है। GST पोर्टल पर कैश लेजर के अंदर मेजर हेड और माइनर हेड्स का क्या मतलब है? यदि आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर देखते हैं GST पोर्टल पे, तो वहाँ पे 4 मेजर हेड्स हैं, IGST, CGST, SGST / UTGST एंड सेस, और हर मेजर हेड के अंदर 5 माइनर हेड्स हैं, यानी कि टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस एंड अदर्स। ये फॉर्मेट है आपके सामने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का। यहाँ पे ये 4 मेजर हेड्स हैं, IGST, CGST, स्टेट टैक्स / यूटी टैक्स एंड सेस। और जैसे ही आप इस फिगर के ऊपर क्लिक करते हैं, तो आपके पास जो है 5 मेजर हेड माइनर हेड्स हर हेड के अंदर खुलेंगे, जैसे कि टैक्स के, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस, अदर्स एंड देन टोटल। GST पोर्टल पर आप कैश लेजर को किस प्रकार यूटिलाइज कर सकते हैं? क्या आप एक ही हेड के अंदर एक माइनर हेड की पेमेंट दूसरे माइनर हेड के लिए कर सकते हैं? GST पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को आप सिर्फ रिस्पेक्टिव मेजर हेड और माइनर हेड के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आपके SGST / UTGST के अंदर टैक्स हेड के अंदर कोई अमाउंट पड़ा है, तो वह सिर्फ टैक्स हेड जो आपका SGST / UTGST है उसकी पेमेंट के लिए ही यूज़ हो सकता है। मान लीजिए आपके SGST के अंदर टैक्स हेड के अंदर 1000 रुपीज़ पड़ा है और SGST के अंदर ही आपके इंटरेस्ट लाइबिलिटी बन जाती है, तो आप ये 1000 रुपीज़ जो आपका टैक्स हेड के अंदर पड़ा हुआ है वो इंटरेस्ट के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। GST पोर्टल पर आप कैश लेजर के अंदर एक हेड से दूसरे हेड के अंदर किस प्रकार ट्रांसफ़र कर सकते हैं? GST पोर्टल पर आप एक मेजर हेड से दूसरे मेजर हेड के अंदर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए आप कैश GST की कोई पेमेंट
आपको करनी है, और आपका जो अमाउंट आपने जो चालान के अंदर पे किया था वो SGST हेड के अंदर पे किया था, तो अब आप इसका यूज़ CGST, IGST और सेस को पेमेंट करने के लिए नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार मान लीजिए कोई आपका अमाउंट IGST के अंदर पड़ा हुआ है तो आप उसका यूज़ CGST के लिए नहीं कर सकते हैं और SGST के लिए नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब भी आप अपना GST का चालान बनाएं, ये इंश्योर करें कि आप करेक्ट फिगर जो है SGST और UTGST या फिर जो दूसरे मेजर हेड हैं उनमें करेक्ट फिगर भरें। आपने GST पोर्टल के ऊपर पेमेंट तो कर दी चालान के थ्रू, लेकिन वह पेमेंट आपके कैश लेजर में अपडेट नहीं हुई है, तो इसके बाद आपको क्या करना है, आपको 24 आवर्स के बाद जब आप पेमेंट कर देते हैं उसके बाद GST पोर्टल पर जाना है, GST.gov.in, और वहाँ पर जो फॉर्म है GST PMT 06 उसके अंदर आपको अपनी कंप्लेंट जो है वो लॉज करनी है। यदि आपके कैश लेजर के अंदर फिगर गलत आ रही है या एरेनसली डिस्प्ले हो रही है तो आपको क्या करना है, इसके लिए आपको GST पोर्टल पर जाना है और GST PMT 4 फॉर्म के अंदर अपनी कंप्लेंट लॉज करनी है। यदि आपने GST पोर्टल पर चालान के थ्रू कोई पेमेंट की है तो कितनी देर के अंदर आपके कैश लेजर में अपडेट हो जाएगी। यदि आपने पेमेंट नेट बैंकिंग के थ्रू की है और थ्राइज बैंक के अंदर, तो GST पोर्टल बैंक से चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर रिसीव करने के बाद इमीडिएटली पेमेंट जो है आपके कैश लेजर में अपडेट कर देता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस में कुछ माइनर डिले हो सकती है। यदि आपने ओवर द काउंटर पेमेंट की है बैंक के काउंटर पर कैश के थ्रू या फिर सेल्फ बैंक चेक के थ्रू ऑथराइज बैंक्स में, तो उस केस में भी आपकी पेमेंट इमीडिएटली जो है कैश लेजर में अपडेट हो सकती है, लेकिन कुछ माइनर डिले भी हो सकता है। यदि आपने ऑथराइज बैंक्स में ओवर द काउंटर पेमेंट की है थ्रू अदर बैंक चेक ऑफ सेम स्टेशन, तो उस केस में बैंक को 90 डेज़ का टाइम दिया जाता है कि वो चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर GST पोर्टल के साथ शेयर करे, उसके बाद आपकी पेमेंट जो है कैश लेजर में अपडेट हो जाएगी। यदि आपने ऑथराइज बैंक्स में ओवर द काउंटर पेमेंट की है थ्रू आउटस्टेशन बैंक चेक, तो उस केस में भी बैंक्स को 90 डेज़ का टाइम दिया जाता है कि वो चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर की डिटेल जो है वो शेयर करे, और उसके बाद GST पोर्टल आपकी पेमेंट जो है कैश लेजर में अपडेट कर देता है। यदि आपने NEFT RTGS के थ्रू पेमेंट की है थ्रू नॉन ऑथराइज बैंक, लेकिन वो बैंक जो रिकॉग्नाइज्ड है, उस केस में जैसे ही RBI चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर की डिटेल शेयर करेगा इमीडिएटली GST पोर्टल आपके कैश लेजर में अपडेशन कर देगा। इसी प्रकार यदि आपने NEFT या फिर RTGS से पेमेंट किया है थ्रू नॉन ऑथराइज बैंक, उस केस में भी जैसे ही RBI सिन डिटेल GST पोर्टल से शेयर करेगा इमीडिएटली GST पोर्टल आपके कैश लेजर में अपडेशन कर देगा। यदि आपने पेमेंट डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके की है तो नॉर्मली 24 आवर्स के अंदर आपकी पेमेंट अपडेट हो जाती है, लेकिन इस केस में बैंक को 45 डेज़ का टाइम दिया जाता है कि वह आपकी पेमेंट को कंफर्म करे, और जब वह पेमेंट कंफर्म कर देगा उसके बाद ही आपका कैश लेजर अपडेट होता है। इसलिए कोशिश करें कि क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को ना यूज़ करें यदि आपको इमीडिएटली जो पेमेंट है वो कैश लेजर में अपडेट करवानी है। GST पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को यूज़ करने का क्या प्रोसेस है, यदि आपका IGST का इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा हुआ है तो सबसे पहले आपको इसका यूज़ IGST की आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी की पेमेंट के लिए करना है। उसके बाद यदि आपका कोई बैलेंस बच जाता है तो उसके बाद आपको CGST की आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी की पेमेंट के लिए यूज़ करना है। उसके बाद भी यदि कोई बैलेंस इस लेजर के अंदर बच जाता है तो आपको SGST की आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी की पेमेंट के लिए आपको यह यूज़ करना है, यानी कि सिक्वेंशनली आपको यूज़ करना है पहले IGST की पेमेंट, उसके बाद CGST, उसके बाद SGST। यदि आपका CGST का इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा हुआ है तो सबसे पहले आपको CGST की आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए इसका यूज़ करना है। उसके बाद यदि इसके अंदर कोई बैलेंस बच जाता है तो आपको IGST की आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी को यूज़ करने के लिए यह अमाउंट यूज़ करना है। उसके बाद यदि आपका SGST का भी इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा हुआ है तो आपको सबसे पहले इसका यूज़ SGST की आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी की पेमेंट के लिए यूज़ करना है। यदि इसके बाद इसके अंदर कोई बैलेंस बच जाता है तो इसका यूज़ आपको IGST की आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी की पेमेंट के लिए यूज़ करना है। यदि आपका सेस का इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा हुआ है तो आपको उसका यूज़ सेस की आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी के लिए ही यूज़ करना है।
आपको यह ध्यान रखना है कि सीजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट या एसजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट, एसजीएसटी की पेमेंट या सीजीएसटी की पेमेंट के लिए यूज़ नहीं करना है। यानी कि सीजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट आप एसजीएसटी की पेमेंट के लिए यूज़ नहीं कर सकते, और एसजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट आप सीजीएसटी की आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी की पेमेंट के लिए यूज़ नहीं कर सकते। पब्लिकेशन ने नई बुक जीएसटी पर मार्केट में लॉन्च कर दी है, जीएसटी मैनुअल नवंबर 2017 सिक्स एडिशन। इस बुक के अंदर 17 नवंबर 2017 तक जो नोटिफिकेशन है वो इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। इसमें सीजीएसटी एक्ट 2017, आईजीएसटी एक्ट 2017, यूटीजीएसटी एक्ट 2017, जीएसटी कंपनसेशन एक्ट 2017, सीजीएसटी रूल 2017 विद फॉर्म्स, आईजीएसटी रूल्स विद फॉर्म, IGST नोटिफिकेशन, सर्कुलर एंड क्लैरिफिकेशन, CBC FAQ, CBC टैक्स पेयर सीरीज, GST लॉ गाइड दिए गए हैं। इस बुक का लिंक इस GST न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। नई बुक्स मार्केट में आ गई हैं, यानी कि GST टैरिफ विद GST रेट ट्रैकनर सिक्स एडिशन नवंबर 2017 बाय टैक्समैन एंड GST रेट रेकनर फोर्थ एडिशन नवंबर 2017। इन दोनों बुक्स के लिंक इस GST न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। इन बुक्स के अंदर जो नोटिफिकेशन इशू किए हैं सरकार ने, 14 नवंबर 2017 उनको इनकॉर्पोरेट किया गया है। आप CGST, UTGST, IGST या फिर SGST एक्ट के किसी भी सेक्शन को किस प्रकार इजिली सर्च कर सकते हैं, इसके लिए आप taxhill.com की GST टैब अपडेट ऐप पर क्लिक करें। वहाँ पे आप किसी भी जो सेक्शन है CGST का या UTGST का या GST एक्ट का, उसको क्लिक ऑफ माउस के साथ जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि ये कैसे कर सकते हैं आप। सबसे पहले आपको taxhill.com को अपने ब्राउज़र में जो है वो टाइप करना है, taxhill.com। इसके बाद आपको यहाँ पे जो GST अपडेट की टैब है वहाँ पे जाना है। यहाँ पे GST एक्ट और SGST एक्ट दिए गए हैं, यानी कि रेलेवेंट स्टेट के जो एक्ट हैं वो भी दिए गए हैं स्टेट वाइज, और जो GST एक्ट है वह भी दिया गया है। जैसे GST एक्ट पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेंट्रल GST एक्ट, UTGST एक्ट, IGST एक्ट वगैरह दिए गए हैं। जैसे आप CGST एक्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको जो रेलेवेंट सेक्शंस हैं वो चैप्टर वाइज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे कि आप CGST एक्ट का चैप्टर देख सकते हैं, यहाँ पे चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी, यहाँ पे सेक्शन 1, सेक्शन 2 दिए गए हैं चैप्टर वाइज। जब मान लीजिए आप सेक्शन 9 को रेफ़र करना चाहते हैं, लेवी एंड कलेक्शन, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं सेक्शन 9 पर, तो जो सेक्शन 9 है वह ओपन हो जाएगा। सेक्शन 9 को आप रेफ़र कर सकते हैं। मान लीजिए सेक्शन 9 के अंदर जैसे कि सेक्शन 15 दिया गया है, तो जैसे आप सेक्शन 15 पर क्लिक करेंगे तो सेक्शन 15 भी ओपन हो जाएगा। इसके अलावा जो ये नोट यहाँ पे नोटिफिकेशन दी गई है, उनके नोटिफिकेशन को लिंक भी इस पेज के जो है नोट के अंदर दिए गए हैं। आप इन नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर रेफ़र कर सकते हैं। जैसे ही मैंने सेक्शन 15 क्लिक किया तो सेक्शन 15 जो है वो ओपन हो जाता है, और इस सेक्शन के अंदर भी अगर फर्दर सेक्शन या एक्ट का लिंक दिया गया है तो वह भी आप क्लिक कर रेफ़र कर सकते हैं। इस प्रकार जो आप GST एक्ट है वह इजीली यहां पर रेफ़र कर सकते हैं। GST रिटर्न्स की ड्यू डेट्स क्या हैं, इसको नोटिफिकेशन वाइज, मंथ वाइज और फॉर्म वाइज taxhill.com की टीम ने कंपाइल किया है। आप देख सकते हैं कि यदि आप इस फॉर्म नंबर पर क्लिक करेंगे तो फॉर्म ओपन हो जाएगा। रेलेवेंट डिस्क्रिप्शन भी दी गई है, रेलेवेंट रूल भी दिया गया है। जैसे आप इस रूल पर क्लिक करेंगे तो रूल ओपन हो जाएगा, और जैसे ही आप इसकी ड्यू डेट पर क्लिक करेंगे तो जो ड्यू डेट है मंथ वाइज वे आपके सामने आ जाएगी। इसके अलावा GSTR 1, GSTR 2 से रिलेटेड भी जो कंपाइलेशन में की गई है। इसके अलावा जो दूसरे GST रिटर्न्स के फॉर्म हैं जैसे कि GSTR 4 और TRAN 1, उनकी भी कंपाइलेशन की गई है। इसके लिए आप इस YouTube वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को रेफ़र करें और इस पेज को बुकमार्क कर लें, क्योंकि जैसे ही इन डेट्स के में कोई भी अपडेशन होगा हम इस पेज पर अपने अपडेट करेंगे। ये दोस्तों देखते हैं कि आप ये ड्यू डेट वाले पेज को किस प्रकार ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको taxhill.com पर जाना है, अपने ब्राउज़र में taxhill.com टाइप करना है।
उसके बाद ही आपके पास आ जाएगी जीएसटी अपडेट की टैब। इसमें सबसे ऊपर है जीएसटी रिटर्न्स ड्यू डेट, आप इन्हें क्लिक करें। जैसे ये पेज ओपन हो जाता है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फॉर्म नंबर, पर्टिकुलर, रेफरेंस और ड्यू डेट्स हैं। आप फॉर्म को भी रेफर कर सकते हैं, पर्टिकुलर भी दिए गए हैं, रेफरेंस मटेरियल और ड्यू डेट्स भी दी गई हैं। जैसे आप इस बटन पर क्लिक करेंगे, आप इसको यहाँ पे जाके अपने बुक मार्क के अंदर इसको ऐड कर सकते हैं, डन। तो आप फ्यूचर में जैसे ही आप इस फॉर्म को ओपन करेंगे तो डायरेक्टली ये जो पेज है आपका ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही आप जैसे GSTR 3B को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको मंथ वाइज जो है इनकी ड्यू डेट है वो मिल जाएगी। जैसे मार्च 2017 के लिए जो ड्यू डेट है वो क्या है, और इसका जो रेफरेंस मटेरियल है वो भी आप रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे जो रेलेवेंट नोटिफिकेशन है उनको भी दिया गया है। मान लीजिए जो अगस्त 2017 के लिए ड्यू डेट जो है 20 सितंबर 2017 थी, तो इसके लिए आप जो रेलेवेंट नोटिफिकेशन है इसको क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप नोटिफिकेशन को क्लिक करेंगे, नोटिफिकेशन आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस नोटिफिकेशन में जो सेक्शंस हैं आप उनको भी रेफर कर सकते हैं। जैसे ही आप इन सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो ये सेक्शन जो है वह भी ओपन हो जाएंगे आपके सामने। तो ये जो टूल है एक रेडी रेकनर की तरह आपके लिए काम करेगा, इसलिए आप वेबसाइट को भी आप एज अ जो है बुक मार्क वो सेव कर सकते हैं। यहाँ पे जो है GST एक्ट, SGST एक्ट, GST काउंसिल मीटिंग नोटिफिकेशंस, CGST नोटिफिकेशन, CGST टैक्स रेट नोटिफिकेशन, IGST नोटिफिकेशन भी दिए गए हैं। इनका सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि जब आप नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करते हैं तो नोटिफिकेशन के अंदर जो सेक्शन दिए गए हैं उनके भी लिंक इसके अंदर ही दिए गए हैं, तो आपको सेपरेट से कोई बुक इमिजिएटली रेफर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि आपने इससे पुरानी जो GST न्यूज़ हैं या टिप्स हैं मिस कर दिए हैं तो आप उन्हें इस चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर रेफ़र कर सकते हैं। इन न्यूज़, टिप्स और वीडियो ट्यूटोरियल को ध्यान से सुने ताकि आप जो GST की इंटरेस्ट, पेनल्टी और नॉन कॉम्प्लायंस है उनसे बच सकें। यदि आपने टैक्सिल की मोबाइल ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं की है तो उसका लिंक भी इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हम अपनी वेबसाइट पर जो इन्फॉर्मेशन है वो रियल टाइम में आपके लिए अवेलेबल कराते हैं। यदि आपने हमारा न्यूज़लेटर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका लिंक भी इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि आपको ये चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप हमें फेसबुक, G+ पर शेयर कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर भी हमारे अपडेट्स जो है वो शेयर कर सकते हैं। यदि आपकी GST से रिलेटेड कोई क्वेरी है या आप चाहते हैं कि हम किसी टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। taxi.com पर रेगुलरली विजिट करें। थैंक यू।